अभी हाल ही में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर मुख्य बाजारों में स्थित सड़कों की टायरिंग की गई है, जिससे बाहर के मुख्य बाजारों की सड़कें चकाचक हो गई हैं। बाहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर की सड़कों की जो टायरिंग की गई है वो काफी अच्छी की गई है और पहली बार काफी समय के बाद बाहर की सड़कों की इस प्रकार की टायरिंग की गई है। उन्होंने कहा कि बाहर के साथ लगती अन्य सड़कों की टायरिंग भी इस प्रकार की ही होनी चाहिए। मंडी बाहर के बीचों बीच सड़कों की टायरिंग होने के बाद यातायात व्यवस्था के मद्देनजर बाहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग भी की जा रही है, ताकि बाहर में पैदल चलने वाले लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सड़क क्रॉस करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार जेब्रा क्रॉसिंग के बनने से लोगों को सड़क क्रॉस करते समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। वहीं एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि बाहर की सड़कों की टायरिंग होने के बाद विभाग के द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग की जा रही है, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं वाहन चालकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब लोग जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से सड़क पार कर रहे हों तो वे अपनी गाड़ी को जरूर रोक लें। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में उपरोक्त अधिनियम के तहत कुल 50 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 6 मामले उच्च न्यायालय में विचारित हैं। इसी प्रकार 19 मामले न्यायालय में, 10 मामले न्यायालय से दोषमुक्त, 12 मामले रद्द रिपोर्ट के लिए न्यायालय में विचाराधीन तथा 3 मामले पुलिस के अन्वेषणाधीन हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार के अदालतों में चल रहे मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय त्रैमासिक बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला में कुल 1,351 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 5 कंप्यूटर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले छात्रों को कंप्यूटर में 1 साल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्नातक छात्रों को PGDCA तथा 12वीं पास छात्रों को DCA का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जिनके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से उन्हें सूची उपलब्ध करवाई गई है, 1 महीने के अंदर बनाना सुनिश्चित करें तथा इसके साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इस दौरान समिति ने अभिषेक कुमार तथा शिवानी, जो कि 70% से अधिक मानसिक रूप से ग्रस्त पाए गए हैं, उन्हें कानूनी संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुमोदन किया गया। योजना के तहत अब तक जिला हमीरपुर में ऐसे 108 मामलों में विविध सुरक्षता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजित सेन ठाकुर, जिला न्यायवादी CS भाटिया, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेश जसपाल, CMO डॉक्टर अर्चना सोनी, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी तिलकराज आचार्य, जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। राजराजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोटा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वाइस चांसलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के प्रोफेसर
एसपी बंसल द्वारा किए गए कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समारोह को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान डीएलएड के छात्राओं आंचल तथा सहेलियों द्वारा ग्रुप डांस से खूब समा बांधा। शबनम द्वारा सोलो डांस, साक्षी तथा पलक, रवीना तथा सहेलियों द्वारा पहाड़ी नाटी, अमित तथा मनीष द्वारा डुएट डांस, रिचा तथा सहेलियों द्वारा ग्रुप डांस और निधि तथा सहेलियों द्वारा शिव तांडव प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने मेधावी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक व्यवसायी हैं और गुरु आनंदमय है। गुरु अंत काल तक पढ़ाने का आनंद लेता है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई का चयन करना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध एक पवित्र संबंध है, अतः इसे कायम रखें। शिष्य के साथ की गई बेईमानी को भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते हैं। इस दौरान राजराजेश्वरी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मंजीत सिंह ने पुरस्कार पाने वाले छात्रों को बधाई दी तथा छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना की।